नमस्कार, मेरा नाम है गीतिका और इस वीडियो में बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। कौन इसे खुलवा सकता है, कैसे खुलवाना है, ये योजना काम कैसे करेगी, तो आइए बिना देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग की, यानी कौन इसके लिए एलिजिबल है, कहाँ पर इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम है तो आप उसके लिए ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी पेरेंट या गार्डियन केवल 2 अकाउंट्स अपने साथ खुलवा सकते हैं, जिसका मतलब अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आप दोनों के लिए 2 अकाउंट्स खुलवा पाएंगे। लेकिन यदि आपकी 3 बेटियां हैं तो आप पहली 2 के नाम पर अकाउंट्स खुलवाएंगे और तीसरे के नाम पर अकाउंट नहीं खुलेगा। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके ट्विन डॉटर्स हैं और साथ में एक और बेटी है, यानी कुल मिलाकर 3 बेटियां हुई, तब आप 3 अकाउंट्स खुलवा पाएंगे। अब है कि अकाउंट खुलवाते समय आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें है आपका और बच्ची का एक आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, आपकी और बच्ची की एक फोटो और एक बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट। बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। अब कहां पर इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, तो आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक की ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। यदि कल को आपको शिफ्ट करने की जरूरत पड़े, जैसे आपका ट्रांसफर हो जाए, तो आप एक बैंक की ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं या एक पोस्ट ऑफिस की ब्रांच से दूसरी में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ तक मुमकिन है कि आप पोस्ट ऑफिस से बैंक की ब्रांच में भी शिफ्ट कर पाए। अब इस अकाउंट का इन्वेस्टमेंट पीरियड रहता है 15 साल, यानी 15 साल तक आपको इसमें पैसे जमा कराने पड़ते हैं हर साल। और इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है 21 साल, यानी 21 साल के बाद आपको ये रकम मिल पाएगी। यानी अगर आज आपकी बेटी 5 साल की है और ये अकाउंट आप खुलवाते हैं, तो 5 + 15 यानी जब वो 20 साल की हो जाएगी, तब तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जब वो 5 + 21 यानी 26 साल की हो जाएगी, तब आप इस रकम को ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कितनी रकम हर साल जमा करानी है। तो इसमें मिनिमम रकम जो आपको जमा करानी पड़ेगी वो है 250 रुपए प्रति वर्ष, और मैक्सिमम जो आप जमा करा सकते हैं वो है 1.5 लाख रुपए। यानी 250 से 1.5 लाख के बीच में आप कितनी भी रकम जमा करा सकते हैं अपनी पसंद से। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की, यानी इसकी मैच्योरिटी से पहले अगर आपको रकम निकलवानी हो, तो वो तभी पॉसिबल है अगर आपकी बेटी 18 वर्ष की हो गई हो या उसने 10th क्लास पास कर ली हो, और ये पॉसिबल है सिर्फ उसकी हायर स्टडीज के लिए। अब आप कितनी रकम निकलवा सकते हैं, तो वो आप निकलवा सकते हैं 50% अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के बैलेंस का। यानी सपोज कीजिए कि आपको जुलाई 2022 में रकम निकलवानी है और 31 मार्च 2022 तक आपके अकाउंट में रकम थी 1 लाख, तो आप केवल 50,000 ही निकलवा पाएंगे। और ये रकम जो आप निकलवाएंगे, या तो इकट्ठा निकलवाएंगे या इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी निकलवा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स पॉसिबल है 5 वर्ष तक, जिसमें आपको हर साल केवल 1 इंस्टॉलमेंट ही अलाउड है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रीमैच्योर क्लोजर की, यानी कि अगर 21 वर्ष से पहले आपको इस अकाउंट को क्लोज करवाना हो, तो बेटी अगर 18 साल की हो गई है और उसकी मैरिज हो, तो वो इस अकाउंट को बंद करवा सकती है। इस अकाउंट को वो अपनी मैरिज के या तो 1 महीना पहले या 3 महीने बाद तक ही बंद करवा पाएगी। या फिर अगर गॉड फॉरबिड बेटी की डेथ हो गई या कोई एसोसिएटेड पेरेंट या गार्डियन जो इस अकाउंट में राशि जमा कर रहे थे, उनकी डेथ हो जाए, तो उन केसेस में भी इसको क्लोज करवाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ बेनिफिट्स की। तो एक तो इसका इंटरेस्ट रेट है 7.6%, जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के मुकाबले बहुत अच्छा है। दूसरा, इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। तीसरा, इसके इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता। और लास्ट फोर्थ, कि इसकी जो भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ऑल इन ऑल ये स्कीम बहुत अच्छी है और गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल भी। तो इसमें इन्वेस्ट करने का ज़रूर सोचिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।